नमस्कार, दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। रावण एक कुशल राजा था जो अत्यंत ही बलशाली पराक्रमी योद्धा एवं एक परम शिव भक्त था, लेकिन इसके साथ ही वह शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण ने मरने से पहले कुछ उपदेश दिए थे जो आज के समय भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी है। संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण मरते वक्त कुछ ऐसी शिक्षा दे गया जो और कोई नहीं दे सकता। मरने की अवस्था में भी महापंडित रावण ने ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। आइए जानते हैं रावण ने मरते मरते परिवार के लिए क्या कहा था। संसार में उस व्यक्ति का जीवन धरती पर स्वर्ग के समान है जिसकी संतान आज्ञाकारी हो, पत्नी संस्कारवान और परिवार को जोड़कर रखने वाली हो और जो अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट हो। ये तीनों चीजें बहुत भाग्य से ही किसी को मिलती है। जो औरतें झूठ बोलना, उतावलापन, दुस्साहस, छल कपट, मूर्खतापूर्ण कार्य करें, लोभ करें, अपवित्रता और निर्दयता से रहें, ऐसी स्त्रियां घर परिवार के विनाश का कारण बनती हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को अंदर से जला देते हैं और वह उसकी पीड़ा चाह कर भी किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता। पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख, कर्ज का बोझ, दुष्ट राजा की सेवा करने का दुख और निर्धनता का दुख ऐसा ही होता है। बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। ऐसे में माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें ताकि उनके बेहतर चरित्र का निर्माण हो सके, वरना ऐसी संतानें समाज में हमारा सर झुका सकती हैं। अगर आपके बच्चे ने कोई गलत कार्य किया है तो माता पिता को उसकी गलती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, न ही उसे उस समय प्यार से समझाना चाहिए। कई बार बच्चे को डांटने और सख्त व्यवहार करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे समय में हमें अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करके सही फैसला लेकर बच्चों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। रावण ने अपने अंत समय में यह कहा कि आज मुझे अपने परिवार की वजह से यह समय देखना पड़ रहा है। मैंने अपनी बहन की बातों में आकर यह सब किया और अपने भाई पर भरोसा करके उसे अपना भेद बताया था। मेरा भाई ही मेरे भेद को खोलकर मेरे मौत का कारण बन गया और उसने कहा कि अपना भेद किसी को भी ना बताए, क्योंकि किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करना अनुचित होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।